बहुत टाइम से जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे थे कि फोर्थ कट ऑफ कब आएगी कब आएगी और फाइनली जो फोर्थ कट ऑफ आ चुकी है इस बार की जो कट ऑफ है बाकी हमने जो कट ऑफ़ देखी फर्स्ट सेकेंड थर्ड बिल्कुल टाइम पर थी फोर्थ कट ऑफ काफ़ी लेट आई है तो देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं क्या सिनेरियो है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीए ए प्रो, बीए प्रोग्राम का जो सीन है हम वो देख लेते हैं एक बार तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने मेंशन है कि कौन कौन से कॉलेजेस में किस किस सब्जेक्ट की जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं और कौन से कॉलेज में सीट्स जो हैं वो क्लोज हो चुकी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि बी प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस का जो कॉम्बिनेशन है उसमें डी में क्लोज हो चुकी हैं सीट्स और जे में भी क्लोज हो चुकी हैं तो ये पर्टिकुलर कॉलेजेस देखें हंसराज और मिरांडा में बार बार स्टूडेंट से बोल रही थी कि आपको अगर सीट्स मिल रही हैं तो सीट्स रिजर्व कर लीजिए नहीं पता कि कब जो सीट्स है वो क्लोज हो जाएगी और मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली जो हंसराज और मिरांडा के मतलब कि वेट में बैठे हुए थे उनके लिए भी सीट्स अब क्लोज हो चुकी हैं ठीक है तो ये एस है बाकी अगर आप ओ बी सी है से हैं तो वहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस हैं हंसराज और मिरांडा में सेवेंटी फाइव परसेंट की कट ऑफ अगर आपकी है तो आप अब बी ए प्रोग्राम में हंसराज या मिरांडा में एडमिशन ले सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ कैंपस में अदरवाइज सिर्फ जनरल में मिरांडा में जो सीट्स हैं वो फुल हुई हैं क्लोज हुई हैं बाकी सभी कॉलेज में अवेलेबल हैं ठीक है थीके? और अगर हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर देखा जाए तो भारती कॉलेज में जनरल की क्लोज हो चुकी हैं केशव महाविद्यालय में है लक्ष्मी बाई कॉलेज कॉलेज में है महाराजा अग्रसेन कॉलेज में ठीक है राजधानी कॉलेज में एस में रामानुजन में हंसराज और मिरांडा में ये कॉम्बिनेशन खत्म हो चुका है मैं मैं ये बात रिपीट कर रही थी बार बार कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉम्बिनेशन है और इसकी जो सीट्स हैं वो बहुत जल्दी रिजर्व हो जाती हैं बहुत जल्दी क्लोज हो जाती हैं और वही हुआ आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स क्लोज हैं वो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन की है भारतीय कॉलेज में तो सभी ओ बी सी एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी सभी के लिए जो सीट्स हैं वो क्लोज हो चुकी हैं इस कॉम्बिनेशन में ठीक है और बाकी कॉलेज में आप भी आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन में आपको सीट अवेलेबल नहीं है अब इकोनॉमिक्स प्लस संस्कृत का जो कॉम्बिनेशन है वहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जो कॉलेजेस हैं थर्ड तीन कॉलेजेस हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं और यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि भारती कॉलेज है और भारती के बाद आपका लक्ष्मी बाई कॉलेज है बहुत अच्छा कॉलेज है लक्ष्मी बाई कॉलेज भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं विवेकानंदा कॉलेज है तो ये आपके सामने ऑप्शनस हैं इस तरीके से हिस्ट्री प्लस संस्कृत का जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास अवेलेबल्स हैं कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं पी डब्ल्यू डी से फोर्टी फाइव परसेंटेज अगर आपकी है और आप पी डब्ल्यू डी से बिलोंग करते हैं तो आपको भारती कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा बहुत लोएस्ट बहुत लोएस्ट परसेंटेज है ये ठीक है इसी तरीके हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल संस्कृत के कॉम्बिनेशन में भी आपको 45 परसेंट में एस से अगर आप बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यू से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको भारतीय कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा इसी तरीके से कालिंदी कॉलेज में भी लक्ष्मीबाई कॉलेज में भी 45 परसेंट है और विवेकानंदा कॉलेज में भी फोर्टी है मतलब तो बहुत लो कट ऑफ बहुत ज्यादा लो कट ऑफ है अवेलेबल है आपके लिए सीट्स अगर आपके इतनी कट इतनी ही परसेंटेज है तो आप बहुत लकी हैं कि आपको सीट्स मिल गई हैं ठीक है और पॉलिटिकल साइंस प्लस संस्कृत का जो कॉम्बिनेशन है वो मोस्टली जो भारतीय कॉलेज है उसमें क्लोज हो चुका है इसी तरीके से आगे अगर देखते हैं मैनेजमेंट के कॉम्बिने इकोनॉमिक्स प्लस ऑफिस मैनेजमेंट में तो एस में अभी भी सीट्स हैं अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं हिस्ट्री प्लस ऑफिस मैनेजमेंट वाला भी आपके पास ऑप्शन है ठीक है so, सो ये आपके सामने आपकी जो लिस्ट है वो है इसी तरीके से ऑफिस मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस का भी आपके पास एसपीएम ही ये सारे कोर्सेज अवेलेबल करा रहा है तो आपको एसपीएम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स प्लस पंजाबी का जो कॉम्बिनेशन है माता सुंदरी कॉलेज में है माता सुंदरी सेंट्रल दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि बहुत नियर बाय होता है जैसे कि पुरानी दिल्ली है दरियागंज है तो ये कश्मीरी गेट है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है बहुत करीब कॉलेज पड़ता है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हिस्ट्री प्लस पंजाबी एसटी को 45 परसेंट पर पीडब्ल्यूडी को 45 परसेंट पर इन कॉलेज में भी एडमिशन मिल रहा है जो कि बहुत लोअर कॉलेज नहीं है स्टैंडर्ड कॉलेज है पॉलिटिकल साइंस प्लस पंजाबी में एसटी को फिफ्टी फोर्टी फाइव परसेंट में और जनरल को सेवेंटी परसेंट में तो अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आपके पास ऑप्शन है आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं इसी तरीके से इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन आपको दे रहा है एक, एस एस डी जी एस सी कॉलेज ऑफ कॉमर्स ठीक है फोर्टी फाइव परसेंट पर आपको इस कॉलेज में भी अगर ये नॉर्थ कैंपस की साइड वाला खालसा कॉलेज है तो आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ठीक है so, सो अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं बी ए प्रोग्राम के बाद जो लिस्ट है वो है बी कॉम की एक बार बी कॉम को भी ओपन कर कर हम देख लेते हैं ठीक है so, सो बी कॉम में भी अभी बहुत सारी सीट्स देख सकते हैं आप ऑलरेडी बहुत सीट्स अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट कोई भी जो सीट्स है अभी क्लोज नहीं हुई है इसका मतलब है नेक्स्ट कट ऑफ भी आ सकती है ठीक है सो so, आप देख लेते हैं यहाँ पर भी एस को जो एडमिशन है वो 45 परसेंट में मिल रहा है पीडब्ल्यू को 45 परसेंट पे यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है इसी तरीके से जो जनरल है ओ है सिक्सटी टू कालिंदी कॉलेज है यहाँ पे माता सुंदरी राजधानी सत्यवती हंसराज और मिरांडा में भी अभी सीट्स यहाँ पर बीकॉम के लिए अवेलेबल हैं सेवेंटी थ्री सेवेंटी थ्री और आप देख सकते हैं पी के लिए 45 परसेंट सभी में 45 परसेंट पे अगर आप पी से हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा ठीक है इसी तरीके से अगर आप एस से हैं तो आपको 45 परसेंट पे हर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा आप किसी भी कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं आपको 45 परसेंट में मिल सकता है आप मिरांडा चाहें हंसराज चाहें कोई भी कॉलेज चाहें आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा सो बेस्ट ऑफ लक कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं धन्यवाद